यस बच्चों, तो आज बच्चों हम लोग देखेंगे बॉर्न हेवर साइकिल। ये बॉर्न हेवर साइकिल बच्चों ये दोनों चीजों को रिलेट करेगा, ठीक है, आपकी इलेक्ट्रोनेफिनिटी एज वेल एज बच्चों आपकी आयनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है, दोनों पॉइंट्स को रिलेट करेगा ये। और इसके अलावा और भी जितनी भी डिफरेंट टाइप की एनर्जीज आती हैं, ठीक है, उन एनर्जीज को भी ये रिलेट करता है ना बोर्न हाइवर साइकिल। तो बोर्न हाइवर साइकिल ये जो बच्चों हम लोग यहाँ पे बोर्न हाइवर साइकिल के अंदर जो हम एक पर्टिकुलर लॉ यूज करते हैं, ठीक है, जिसे बोर्न हाइवर साइकिल डिफाइन किया जाएगा ना, उसको बच्चों बोलते हैं अपन हैज लॉ, ठीक है, हैज लॉ। हैज लॉ बच्चों थर्मो केमिस्ट्री एज वेल एज केमिकल बाउंड्री दोनों जगह देखने को मिलता है, ठीक है। तो हैज लॉ ये पूरा पूरी तरीके से बच्चों आपकी जो हीट एनर्जी होती है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। और ये जो साइंटिस्ट हैं बच्चों, एक का नाम है आपका मैक्स, एक का नाम है आपका हेबर, ठीक है। मैक्स और हेबर दो साइंटिस्ट थे, उन दोनों साइंटिस्ट ने बच्चों हैज लॉ को फॉलो किया। हैज लॉ को फॉलो करने के बाद ये हीट को रिलेट करता था और इस हैज लॉ के अकॉर्डिंग बच्चों बोर्न हाइवर साइकिल आपकी डिसाइड की गई, जो डिफरेंट टाइप की एनर्जीज को कंबाइन करता है और ये डिफाइन करता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कि बच्चों रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का जब फॉर्मेशन होता है तो इसमें जितने भी डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी बच्चों यूज की जाती हैं, ठीक है, या फिर एनर्जी बच्चों यहाँ पे रिलीज होती हैं, ठीक है, यस, तो वो सारी की सारी एनर्जी को मैथमेटिकली बच्चों डिफाइन करता है बोर्न हाइवर साइकिल, ठीक है। बहुत बड़ी बात हम लोग कर रहे हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है, जितने भी टोटल टाइप की बच्चों एनर्जीज वर्क करती हैं, चाहे वो एनर्जी रिलीज हो, चाहे वो एनर्जी बच्चों वहां से आप दे रहे हो, आप सप्लाई कर रहे हो, वो सारी की सारी बच्चों एनर्जी मैथमेटिकली डिफाइन की जाती है बोर्न हाइवर साइकिल से। और ये बोर्न हाइवर साइकिल बच्चों किस पे डिपेंड करता है, हैज लॉ पे, बिकॉज हैज लॉ बच्चों जितनी भी टाइप्स की हीट होती हैं उनको एक्सप्लेन करता है, चाहे एटोमाइजेशन एनर्जी हो, चाहे बच्चों बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो, चाहे आपकी बच्चों यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, चाहे सबलिमेशन एनर्जी हो, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, वो बच्चों हैज लॉ पूरी तरीके से इसको डिफाइन करता है। क्या सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों इसी हैज लॉ को फॉलो करते हुए हम किसी भी टाइप की एनर्जी को मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैं आपको थ्योरेटिकल सेक्शन पहले बता रहा हूँ कि हैज लॉ इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका काम क्या है, ये बोर्न हाइवर साइकिल क्या है, ये कैसे रिलेट करता है हैज लॉ को, हैज लॉ का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, ठीक है, यस। तो किसी भी एनर्जीज को बच्चों कैलकुलेशन करनी है जब वो केमिकल रिएक्शन बच्चों प्रोसीड हो रही है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे, तो किसी भी टाइप की एनर्जीज को आपको निकालना है तो आप हैज लॉ के हेल्प से आप उन एनर्जीज को निकाल सकते हो, ठीक है। सो देखो बोर्न हाइवर साइकिल इज ओनली ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी, आप इसको ऐसे समझ लो यार, बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे दो बच्चे हैं, एक बच्चा हैज है, दूसरा बच्चा है, दो आपके लोग हैं बोर्न हाइवर। तो हैज ने बच्चों क्या किया कि मैथमेटिकली एनर्जीज को डिफाइन किया, इस एनर्जीज का मतलब क्या है, उस एनर्जी का मतलब क्या है, ठीक है, सारी की सारी एनर्जी जो केमिकल रिएक्शंस में आती है उन एनर्जीज को एक प्रॉपर साइंटिफिक वे में अरेंज करना, वो बोर्न हाइवर का काम था, तो बोर्न हाइवर ने वो काम किया, ठीक है। तो बस उसी पे हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो उसी के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, है ना, उसी की हेल्प से हम लोग बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को समझने की कोशिश करेंगे और कैसे निकाली जाती है, चलते हैं। बच्चों यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? कोई डाउट किसी बच्चों को? नहीं। देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे डिटरमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिटरमिनेशन हम पहले बात करेंगे, ठीक, यस। तो बेटा हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बोर्न हाइवर साइकिल? प्लीज बच्चों ध्यान देते हैं, मैं बच्चों यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ NaCl, सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है, जो मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर हम एफिनिटी वर्ड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? क्वेश्चन आता है बच्चों,
ये यहाँ पे ना मैं थर्मोकेमिस्ट्री डिस्कस कर रहा हूँ। आप अगर बात करोगे तो थर्मोकेमिस्ट्री बच्चों लगभग आपकी 90% यहाँ पे यूज की जाएगी, ठीक है। तो पूरी केमिस्ट्री इंटरकनेक्टेड है, देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको अच्छे से पता चलता है कि जो NaCl का जो फॉर्मेशन है, जब NaCl का फॉर्मेशन हुआ होगा तो कितने टाइप्स की एनर्जीज बच्चों यहाँ पे यूज हुई होंगी आपको नहीं पता, हाँ, लेकिन बहुत टाइप की एनर्जीज आपको पता भी होंगी कि इतने इतने टाइप की एनर्जीज यहाँ पे आपकी डिफाइन हुई होगी। ये बच्चों आपका सॉलिड है NaCl, NaCl नमक बच्चों, टेबल सॉल्ट जो हम यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको एक बात बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ रही होगी कि आपने अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ी है थोड़ी देर समय पहले, तो बच्चों सोडियम अपने नॉर्मल कंडीशन में रूम टेम्परेचर बच्चों सॉलिड फेज में बिल्कुल सही तरीके से एग्जिस्ट करता है, सभी को पता है। मोनाटॉमिक फेज में होता है स्टेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बच्चों जब क्लोरीन की बात की जाएगी तो आप बेटा प्लीज ध्यान से बताना, क्लोरीन हमारे रूम टेम्परेचर पे किस फेज में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में? सॉलिड तो होता नहीं बेटा, ये किस फेज में होता है बच्चों? गैसियस फेज में होता है। यस, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ Cl2। वन सेकेंड, यस, ये आपका डायटोमिक फेज में एग्जिस्ट करता है बेटा, सभी को समझ में आ रहा है? और गैस की फेज में, ये बात सभी तक क्लियर हो रही होगी, है ना, क्योंकि जनरली हमें पता होता है पीरियोडिक टेबल पढ़ने के बाद कि कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे गैस के फेज में होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो सोडियम बच्चों करता है सॉलिड फेज में एग्जिस्ट, मोनाटॉमिक, ठीक है। मेरा सर काम नहीं कर रहा है अभी, मोनाटॉमिक, ठीक है। और ये बच्चों करता है डायटोमिक, जिसको अपन बोलते हैं गैसियस। ये बात आपको पता है रूम टेम्परेचर पे, ये पूरी कहानी। अब इसके बाद बच्चों बोर्न-हाइवर्ट साइकिल अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ग्राफ ले रहा हूं, उस ग्राफ को ना मैं एनर्जी के साथ रिलेट करूंगा। इधर बच्चों लिया है मैंने एनर्जी बाय एक्सिस, एक्स एक्सिस मैंने लिया है बेटा प्रोसेस, जो भी आपके यहाँ पे डिफाइन होगी उनको, ठीक। सबसे पहले बच्चों पता है कि सोडियम को मैंने यहाँ पे लिया, सोडियम की बेटा कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, सॉलिड फेज में होगा, तो सबसे पहले जो बच्चों सोडियम है वो कन्वर्ट होना चाहिए ना। सोडियम किस में कन्वर्ट होना चाहिए बच्चों? सॉलिड जो है वो थोड़ा रिएक्शन परफॉर्म करता नहीं है, रिएक्शन परफॉर्म कौन करता है बच्चों? जब ये गैस की फेज में जाएगा। और मेटल्स को बेटा, और आपको पता है कि जब कोई भी एलिमेंट बच्चों आयनिक फेज में नहीं होता है तब तक वो रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है, उसको आयनिक फेज में जाना पड़ेगा। तो जितने भी बच्चों मेटल्स होते हैं वो कैटेनिक फेज में जाएंगे, ठीक है, और जितने भी एनाइंस होते हैं, जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो एनिक फेज में जाते हैं, तभी वो आपके कंबाइन हो सकते हैं, रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मेटल होगा बच्चों तो उसकी रिएक्टिविटी डिफाइन होगी विद द हेल्प ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, और जो बच्चों आपके नॉन मेटल्स होंगे उनकी रिएक्टिविटी डिफाइन होती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन बच्चों हैलोजन इज ए स्पेशल केस, जिसके अंदर बच्चों जो रिएक्टिविटी सिक्वेंस है थियोरेटिकली वो बच्चों डिफाइन होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से, ठीक है, थियोरेटिकली। लेकिन मैं मैथमेटिकली बात करूं तो उनकी भी बच्चों आपकी जो रिएक्टिविटी हैलोजन की वो भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ही डिफाइन होती है। ये बहुत ही माइन्यूट से डिफरेंस है ना, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो बच्चों सोडियम यहाँ पे सॉलिड है, आपको उसको आयनिक फेज में ले जाना पड़ेगा, तो सोडियम बच्चों कभी एनाइन तो बनता नहीं, हाँ कैटाइन बनता है। तो कैटाइन बच्चों बनने के लिए बड़ा कौन सी एनर्जी चाहिए? तो सोडियम देखो बच्चों कैसा है, आइसोलेटेड है, गैसियस आइसोलेटेड फेज में है, मोनाटॉमिक है, बट गैसियस फेज में नहीं है। तो पहले बच्चों ने इसको गैसियस फेज में ले आते हैं अपन, तो बेटा मैंने यहाँ पे कौन सी एनर्जी यूज करूं बताओ जल्दी से, डेल्टा एच सब्लिमेशन, ठीक है। रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, सोडियम सॉलिड सोडियम गैस में जाएगा, तो अपन चेंज इन एंथैल्पी फॉलो करेंगे, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे आपका ये हो गया है सोडियम, क्या बच्चों जल्दी से बताओ आप, गैस की फेज में हो गया है। नेक्स्ट बच्चों क्या होगा, चलो इसकी एनर्जी यहाँ पे डिफाइन होती है, बिल्कुल क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है बिल्कुल इजिली, थोड़ा सा मैथमेटिकल बातें बता रहा हूँ आपको। इसके बाद बच्चों क्या होगा, देखो अब ये जो बच्चों सोडियम बन चुका है गैस की फेज में, ये बच्चों गैसियस फेज में भी है, मोनाटॉमिक भी है, आइसोलेटेड भी है,
अब बच्चों यहाँ पे अगर इसको आपको आयनाइज कराना है तो आपको यूज करना पड़ेगा आयनाइजेशन इंथैल्पी, एक नई एनर्जी आ गई आपकी। तो यहां से बच्चों बन जाएगा सोडियम प्लस गैस, हो गया ना। देखो बेटा आयन्स, इसकी एनर्जी यहाँ पे हो गई इस पॉइंट पे, ठीक है। ये मैं एनर्जी के जो टर्म्स हैं उनको भी साथ साथ में रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो यहाँ पे होगा। सभी को बात समझ में आ गई। अब आते हैं बच्चों, हम एनिशियल बनाना था हम लोगों को पृथ्वी। आपको कोई डाउट है बेटा? यहाँ बच्चों सोडियम गैस की फेज में आ चुका है, ये आपकी आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन हो चुकी है, क्लियर। यस, ये आपकी आयनाइजेशन एनर्जी आपकी डिफाइन हो चुकी है, बहुत सही। अब बच्चों हमारे पास आता है क्लोरीन। तो क्लोरीन बच्चों कैसे एग्जिस्ट करता है आपको पता है, डायटोंग फेज में एग्जिस्ट करता है। तो अगर वो डायटोंग फेज में एग्जिस्ट करता है तो बच्चों उसके साथ क्या करना पड़ेगा, आप तो बोलोगे सर कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको इस तरीके से, मैं हाफ पोल्स नहीं यूज कर रहा हूँ अभी, मैंने बच्चों लिखा यहाँ पे Cl2, वो इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। आप इन दोनों को बेटा कंबाइन तो नहीं कर सकते ना, कि सोडियम को, और जैसे जनरली क्या करते हैं टीचर सभी बताते हैं, मैं भी बताता हूँ इस बात को, कि सोडियम क्लोरीन को मिला दो तो मिलाने के बाद यहाँ पे जो बनेगा वो डेल्टा एच एफ होगा, जिसको बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। एफ का मतलब बच्चों फॉर्मेशन, सोडियम सॉलिड और जो आपका सी एल टू यहाँ पे है गैस, इनको कंबाइन करा दो तो NaCl बन जाएगा। लेकिन बच्चों बात तो ये है ना कि आप जो NaCl यहाँ बनाओगे उसमें तो क्लोरीन एक ही होगा, तो इसलिए बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पे हाफ का मल्टीप्लाई कर देते हैं, Cl2 के साथ हाफ का मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो टू से टू कैंसिल, एक एटम क्लोरीन का हो गया, तो नीचे बच्चों यहाँ पे NaCl बन जाएगा, समझ में आ गया। और जब बच्चों एटम कंबाइन करते हैं ना तो जो बनता है कंपाउंड, उस केस में जो एनर्जी डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा एच एफ, है ना, हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसको मैं थर्मोडायनेमिक्स जब आपको पढ़ाऊंगा ऑफलाइन में जल्दी ही, तो आपको वहां पे और ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, लेकिन यहाँ पे मैं जो समझा रहा हूँ वो आपको सारी बातें क्लियर क्यों होंगी, बिकॉज मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारी बातें बता चुका। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, कोई डाउट किसी बच्चे को? यस, कुछ डाउट है बेटा? यस, तो अब इसके बाद बच्चों यहाँ ध्यान देते हैं अपन, तब यहां से क्या करते हैं कि यहां से बेटा जो क्लोरीन दे रखा है, इस क्लोरीन को आपको आयंस की फेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले तो बच्चों इसको जो टू एटम दे रखे थे ना सीएल के, सीएल के दो एटम थे, सीएल सिंगल बॉन्ड सीएल ऐसे एग्जिस्ट करता है ना, तो इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा ना बेटा। इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो बच्चों कौन सी एनर्जी आएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या इसको अपन ना बहुत बार बॉन्ड एनर्जी के नाम से भी कॉल करते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी को। तो अपन बच्चों यहाँ पे फॉलो करेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। पहले आप उसको सिंगल एटम में तो लेके आओ, बात तो तभी बनेगी ना, दो एटम से तो बात नहीं हो सकती बेटा। यस, तो यहाँ पे क्या करते हैं इसको हम लोग सिंगल एटम में लाने के लिए आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी बच्चों हाफ मोल्स ऑफ डेल्टा एच डिसोसिएशन। हाफ क्यों मैंने यूज किया है, क्योंकि बच्चों वो सी एल टू के फेज में है, ये मैथमेटिकली कोफिशियंट लेते हैं, क्योंकि सिंगल एटॉमिक फेज में लाना है, तो इसलिए यहाँ पे इसको हम हाफ ऐसे लिख सकते हैं ना क्लोरीन को, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, ये वन एटम डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हाफ जो कॉफिशियंट है वो आपका यहाँ पे यूज किया जाएगा, ठीक है, एनर्जी के कॉन्सेप्ट में। तो इसलिए मैंने हाफ मोल्स ऑफ हाफ का मल्टीप्लाई किया है बच्चों डेल्टा एच डिसोसिएशन के साथ, तो यहां से क्या मिलेगा आपको सीएल मिल जाएगा, बहुत सही। अब ये बच्चों सीएल क्या होगा, स्टिल अभी गैस की फेज में होगा, क्योंकि दो एटम आपके गैसेस फेज में थे, मॉलिक्यूलर फेज में क्लोरीन था तो भी गैस था, तो एटॉमिक फेज में तो गैस की फेज में होगा। अब बच्चों इसके आयंस बनाने हैं, तो आयंस बनाने के लिए हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉलो कर सकते हैं ना बच्चों, बताओ जल्दी से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल सही। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका डेल्टा एच ईजी के साथ हम लोगों ने पढ़ा था ना मैथमेटिकली, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट डेल्टा एच इजी होता है, ये सभी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन दोनों का बच्चों रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का और डेल्टा एच इजी के साथ, तो वो बच्चों होता है नेगेटिव में होता है, क्या सभी को बात समझ में आ रही है। अच्छा, तो अब बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉलो कर सकते हैं, जो सोडियम ने बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को निकाला था ना, जब ये सोडियम से सोडियम प्लस गया था तो जहां पे इसने इलेक्ट्रॉन को निकाला होगा वही इलेक्ट्रॉन बच्चों वहां से निकलेगा वो इसकी तरफ आपका शिफ्ट करेगा, तो सीएल बच्चों कन्वर्ट होगा सीएल माइनस गैस की फेज में,
ये भी आयंस बन चुका है सोडियम प्लस सीएल माइनस भी आयंस बन चुका है, दोनों मोनोटोमिक है, तो बच्चों इजिली करेंगे कंबाइन बिकॉज इसके पास एक्स इलेक्ट्रॉन पहुंच गया ना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कॉन्सेप्ट, तो इसके साथ बच्चों ये बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रहा है? अरे सभी बच्चों को बात क्लियर हो रही है? तो अब बच्चों यहाँ पे जब सोडियम प्लस और सीएल माइनस दोनों गैस की फेज में है, आपस में कंबाइन करेंगे, तो बच्चों यहाँ पे डिफाइन होती है लैटिस एनर्जी, जिसको बोलते हैं ईएल। दिस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी बच्चों डिफाइन होगी तो यहाँ से बन जाएगा NaCl सॉलिड। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक तो बच्चों कंप्लीट प्रोसेस हुआ, एक हुआ आपका डायरेक्ट प्रोसेस। डायरेक्ट प्रोसेस बच्चों कहाँ पे देखने को मिला? वो आपको देखो यहाँ पे देखने को मिला था कि बच्चों सोडियम Cl2 लगाया मैंने, सीधा NaCl बना दिया, तो मैंने बोला हीट ऑफ फॉर्मेशन। और उधर से बच्चों मैंने फॉलो किया, दोनों गैस की फेज में लेके गया, मैंने सारी एनर्जी डिफाइन करी, और एनर्जी डिफाइन करने को गैसेस फेज का टर्म्स को कंबाइन किया, और कंबाइन करने के बाद आपका वहां पे NaCl बना सॉलिड। तो कहीं ना कहीं बच्चों जो डेल्टा HF जो फॉर्मेशन होगा ना, ये वाला डेल्टा HF, इसकी टोटल अगर एनर्जीज की बात करूं तो जो आपकी कौन कौन सी होंगी, तो बच्चों इसमें सब्लिमेशन भी आएगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी आएगी, और डिसोसिएशन भी आएगी, एफिनिटी भी आएगी, और बच्चों लैटिस एनर्जी भी आएगी। ये सारी की सारी एनर्जी का जो समेशन होगा, जो सबका एडिशन होगा, जो सबका कॉम्बिनेशन होगा, वही बच्चों हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई? बताइए बच्चों, क्लियर हो रहा है सभी को? तो यहां से बिल्कुल, थैंक यू प्रथमेश। तो यहां से बच्चों आपका रिजल्ट क्या बनेगा? रिजल्ट आपका बनेगा डेल्टा एच एफ हीट ऑफ फॉर्मेशन दैट इज इक्वल टू डेल्टा एट सब्लिमेशन। बच्चों पहली एनर्जी आपको दिख रही है, प्लस बच्चों इसके ऊपर वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी दिख रही है ना, और बच्चों कौन सी एनर्जी है? हाफ मोल्स ऑफ डेल्टा एच डी डिसोसिएशन एंथैल्पी है ना, क्लोरीन के लिए दिख रही थी, सी एल टू के लिए। प्लस बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर क्लोरीन एटम, बताइए बेटा नेगेटिव होती है कि पॉजिटिव? मैंने आपको एक बात बोली थी, अगर आपको ध्यान होगी अच्छे से, कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बच्चों कैसी होती है, बताइए मुझे, नेगेटिव ही होती है ना, आपको डिस्कस किया था मैंने बहुत अच्छे से, है ना। तो जितना इसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे लिखूंगा ना, तो वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो बेटा मैं उसको माइनस हूँ, माइनस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला टर्म, और प्लस आपका लास्ट में ये रहा लैटिस एनर्जी, तो ईएल। तो इन सबको हम ऐड करेंगे तो बच्चों आपके डेल्टा एचएफ डिफाइन होगा। सभी को बात समझ में आई? इसी को बच्चों बोलते हैं बोर्न हाइवर साइकिल। सभी को क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, और वो एक्चुअली थर्मो केमिस्ट्री का है, आपको थोड़ा समझ में आएगा। जैसे बच्चों मैंने बोला है फॉर NaCl, NaCl क्रिस्टल, ठीक है, और यहाँ पे आपको मैंने कुछ वैल्यूज दी हैं बेटा, कि डेल्टा एच एफ ये दिया है मैंने प्लस में 381.2 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। सेकेंड मैंने बच्चों यहाँ पे दिया है डेल्टा एच एस, इसकी एंथैल्पी दी है प्लस में, जो आप एनर्जी सप्लाई करते हो देते हो उसको पॉजिटिव एंडोथर्मिक लेते हैं, माइनस में 4, इसको यही समझना है, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब सिर्फ इतना होगा बेटा, ठीक है। यस, सेकेंड आपको दे रखा है आयनेशन एंथैल्पी 495.4 किलो जूल मोल इनवर्स, है ना, यूनिट आप समझ लो, सब एक ही जैसे लिए होंगे, नहीं लेते हैं तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे है डेल्टा एच डी डिसोसिएशन, इसकी वैल्यू है पॉजिटिव में 241.8 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट बच्चों उसने दे रखी है लैटिस एनर्जी ईएल, लैटिस एनर्जी उसने दे रखी है माइनस में 757.3 किलो जूल पर मोल। आपको बच्चों बताना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बताओ बच्चों। ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ बेटा, ऐसे ही क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के अंदर AI EEE के अंदर, ठीक है, बहुत बार पूछे गए हैं बच्चों, और आपका जो JEE मेंस है इसके अंदर भी क्वेश्चंस बच्चों आते हैं, ठीक है, आपको सारी के सारी एनर्जीज दी जाती हैं, वैल्यूज दी जाती हैं, और आपको पूछेगा कोई सी भी एनर्जी, हो सकता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे दे बेटा, इनमें से गिवन एनर्जी में से कोई एनर्जी पूछ ले, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी बिल्कुल। तो सबसे पहले ना आपको वो रिलेशन लिखना पड़ेगा कि NaCl एक्चुअली बनना कैसे होगा, तो बनने के लिए बच्चों जो इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी डेल्टा एच एफ,
और डेल्टा एच तो क्वेश्चन में दिया है, तो पहले आपको पूरा वो बॉर्नहाबर साइकिल का जो स्टेटमेंट है ना वो पूरा लिखना पड़ेगा अच्छे से, ड्राइव करना पड़ेगा, सोडियम लेना पड़ेगा, सीएल लेना पड़ेगा, सीएल टू, डिसोसिएशन, इधर आपको आयनाइजेशन, देन उसके बाद आपको करना पड़ेगा वो सब, समझ रहे हो ना प्रोसेस, वो पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, तो पहले सब सोडियम से सोडियम प्लस, सोडियम से सोडियम, सोडियम सोलिड से सोडियम गैस में सब्लिमेशन, सोडियम गैस से फिर आयंस की फेज में तो आपकी आयनाइजेशन थेरेपी, दो एनर्जी इधर हो गई। अब आओ सीएल टू पे, हाफ मोल्स ऑफ सीएल टू, तो पहले डिसोसिएशन एनर्जी हाफ मोल्स लेना पड़ेगा, हाफ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर बच्चों ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहां से आपका गैसियस एटम मिल जाएगा, देन वहां पे कौन एफिनिटी फॉलो करेंगे तो सीएल माइनस बनेगा गैस में, सीएल माइनस दोनों कंबाइन करेंगे तो लेटेस्ट एनर्जी बनेगी, सारी एनर्जी का समेशन इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन। समझ में आ गया? बस फिर तो आंसर बन ही जाएगा। क्या आंसर आया बच्चों, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। हीट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में आपको पता है कौन कौन सी एनर्जी बेटा, डेल्टा एच सब्लिमेशन हो जाएगी, प्लस अब तो बिल्कुल आपको आइडिया बैठ गया होगा कौन कौन सी एनर्जी आने वाली है, प्लस हाफ मोल्स ऑफ डेल्टा एच डी हो जाएगी, प्लस बच्चों नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगी, और क्या होगी बच्चों, लैटिस एनर्जी हो जाएगी। बस इनका समेशन है, कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है वो चेक कर लो, डेल्टा एच एफ गिवन है, एच एस गिवन है, ये भी वैल्यू गिवन है, डिसोसिएशन में हाफ का मल्टीप्लाई कर देंगे ये भी गिवन है बेटा, लैटिस भी गिवन है, आपको ये निकालना है, करेक्ट है, बस सारी वैल्यूज गिवन है आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बन गया आपका, तो आपको बॉर्नहाबर साइकिल पे क्वेश्चन आता है बेटा, बताओ क्या आंसर आएगा, सिर्फ आपको वैल्यूज रखनी थी, एक बार वैल्यूज रख के मैं आपको दे देता हूँ। देखो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर्मेशन की ना प्लस में 381.2 दैट इज इक्वल टू 108.4 प्लस 495.4 प्लस हाफ का मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ बच्चों, जो आपकी है 241.8 है ना, डिसोसिएशन है, प्लस आपकी जो निकालनी है वो माइनस में निकलो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और सबसे लास्ट में आ जाएगी माइनस के साथ 757.3, ठीक है, बस इसको रखना है और आपको ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये लेटेस्ट जो बेटा आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगी ना वो 100% पॉजिटिव में आएगी क्लोरीन की, लेकिन डेल्टा एच इजी पूछता है तो वो निगेटिव में होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चों आपको पता है ना कि डेल्टा एच इजी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो हैलोजन वो आपकी नॉन मेटल्स की निगेटिव में होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है बिकॉज ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आती है 348.6 किलो जूल पर मोल, ये बच्चों आती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर क्लोरीन एटम, यहाँ से निकल के आएगी ये वैल्यू बच्चों, पॉजिटिव आएगी आप निकाल के, बिकॉज पॉजिटिव बहुत बड़ा है, पॉजिटिव में आएगी। अगर मैं बेटा इसकी क्वेश्चन में अगर वो पूछता है कि डेल्टा एच इजी की वैल्यू क्या होगी, तो नेगेटिव में 348.6 इसको आपको टिक करना है। बात सभी को समझ में आई बेटा, क्लियर हुआ सभी को, बताइए सभी लोग। एक क्वेश्चन देता हूं आपको होमवर्क के लिए, ठीक है, ट्राई करना आप लोग। एक क्वेश्चन देता हूं मैं, एक क्वेश्चन है बच्चों यहां पे दे रखा है, लैटिस एनर्जी और दी सोडियम आयोडाइड, ठीक है, इसकी वैल्यू है माइनस में 165.4 किलो कैलोरी मोल इनवर्स, फिर बच्चों दिया है इसने डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, यही सोडियम आयोडाइड के बारे में बात कर रहा है, इसकी वैल्यू है माइनस में 64.8 किलो कैलोरी पर मोल, फिर बच्चों उसने दिया है डेल्टा एच सब्लिमेशन, इसकी वैल्यू दी है उसने, और ये बेटा आपको पता है सब्लिमेशन किसके लिए यूज करेंगे, सोडियम के लिए, ठीक है, मेटल है ना वो, यस, इसकी वैल्यू है 25.9। बहुत बारी क्या होता है कि आपको वो एलिमेंट का नाम लिख के देगा साथ में एनर्जी के, बहुत बार नहीं लिख के देता है, तो आपको फिर याद रखना पड़ेगा ना कि सब्लिमेशन किसके लिए यूज करते हैं, सॉलिड से गैस की फेज में, तो सोडियम ही आपको, बिल्कुल क्लियर है ना। अच्छा सेकेंड बच्चों यहाँ पे आपको दिया जाएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, ये भी मेटल के लिए तो बेटा डिफाइन ही होती है, क्या नॉन मेटल के लिए कभी आयनाइजेशन डिफाइन होती है, नहीं, ये भी सोडियम के लिए ही डिफाइन है, इसकी वैल्यू है 118.4 किलो कैलोरी पर मोल, फिर बच्चों उसने यहाँ पे लिख के दिया है हाफ ब्रैकेट में डेल्टा एच एस फॉर आई टू प्लस डेल्टा एच डी फॉर आई टू, डिसोसिएशन है ये सब्लिमेशन है, आयोडीन बच्चों सॉलिड फेज में होता है ना मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट की वजह से, वहां पे दो एनर्जी उसने एक साथ लिख के दी है, डिसोसिएशन
और एक आपको यहाँ पे डिसोसिएशन, दोनों एनर्जी वैल्यू, और वो लिख के दिया 25.5 किलो कैलोरी पर मोल। ये सारे डाटा को आपको यूज करना है, और यूज करने के बाद बच्चों करना है कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कैलकुलेट करना होगा आपको यूजिंग दिस डाटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, फॉर द फॉर दी आयोडीन। आयोडीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइन होगी, बस वही तो है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, दोनों के दोनों बच्चों डिफाइंड फॉर आयोडीन है ना, आयोडीन के लिए डिफाइन होगी, तो वो आपको वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। सभी को समझ में आ गया? तो ये आपका एक होमवर्क है, प्लीज इसको ईमानदारी से आपको ट्राई करना है, हो जाएगा बच्चों? बताओ सभी लोग, मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूं आयोडीन को लेके आपको, मैं तो लोग कर देता हूँ। सोडियम को लेके बड़ा कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, वो तो आप कर लोगे, अभी जस्ट बताया था। आयोडीन को लेके थोड़ा समझ लो, आई टू बच्चों ना एक्चुअली किस में होता है, सॉलिड फेज में होता है। तो पहले तो आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि आई टू बच्चों ना मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट की वजह से हैलोजन्स का ये सॉलिड फेज में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों इसके आपके अगर इसको लिखना हो तो कह सकते हैं 1/2 इंटू आई टू लिख सकते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले बताइए ये सॉलिड को लेना पड़ेगा किसके अंदर, आप मुझे बताओ किस फेज में लेना पड़ेगा, गैसेस फेज में, मोनोटोमिक फेज में लेना पड़ेगा ना। तो आपको यहाँ पर ना दो एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, बट पहले सॉलिड से गैस की फेज में जाना पड़ेगा, बराबर। Cl2 तो गैस की फेज में था ना, तो आपने एक ही एनर्जी यूज करी थी, कौन सी, बेटा डिसोसिएशन। लेकिन यहाँ पे आपका सॉलिड में है ना आई टू, तो सॉलिड से पहले गैस में जाना पड़ेगा ना, सॉलिड से पहले आई टू को आपको गैस की फेज में ले जाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, भाई दो एटम है तो डिसोसिएशन, ये बन गया ना Cl2 जैसा बन गया केस, आप समझो जरा, Cl2 वाला केस बन गया। तो पहले तो आपको यहाँ पे क्या देनी पड़ेगी, सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर आपको यहाँ पे कौन सी देनी पड़ेगी बच्चों, डिसोसिएशन एंथैल्पी आपको देनी पड़ेगी, तब जाके बच्चों ये क्या होगा आई में कन्वर्ट होगा, सॉरी आई में कन्वर्ट होगा, और ये आपकी गैस की फेज में यहाँ पे प्रॉपरली डिफाइन होगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये जो आयोडीन बेटा होगा, अब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा जो सोडियम प्लस रिलीज करेगा, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइन होगी, तब आपका आई माइनस में कन्वर्ट होगा। लेकिन बच्चों इस आई टू को ना, तो जो एनर्जी जो एंथैल्पी है, तो उसको आपको कोफिशियंट देना पड़ेगा, तो इसलिए बच्चों हाफ मोल्स यहाँ पे मल्टीप्लाई, हाफ मोल्स यहाँ पे मल्टीप्लाई, समझ में आया? यस, यही आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, आंसर आपको निकालना है, हो जाएगा बच्चों? बताओ सभी लोग, थर्मोकेमिस्ट्री में आपको काफी हेल्प मिलेगी यहाँ से, ये मैथमेटिकली मैंने आपको काफी एक्सप्लेन किया है, आई होप आपको सभी को क्लियर हुआ हो। चलो बच्चों नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर, है ना, जिसमें हम लोग पीरियड टेबल के ऊपर काम कर रहे थे, लेफ्ट राइट लेफ्ट टू लेफ्ट उसके ऊपर। तो बच्चों हम लोग फैक्टर्स पे बात कर रहे थे, जहां पे हम लोगों ने देखा था स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बच्चों जब बात करते हैं, तो आपका P3 हो गया, D5 हो गया, या फिर आपका P6 हो गया, या आपका D10 हो गया, इन सारे के सारे केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो बच्चों वैल्यू होती है, इट इज ऑलवेज जीरो, ठीक है, जीरो बोलो या बच्चों वेरी लेस बोलो, वेरी वेरी लेस बोलो, मतलब जीरो के बिल्कुल क्लोज होती है, ठीक है, जीरो के बिल्कुल क्लोज होती है। आप बोलो 0.8999, तो बेटा वो तो वैल्यू बहुत क्लोज हो जाएगा, मतलब आप ये मान चलो 0.222, 0.111, 0.0023 कुछ इस तरीके से, तो वो वैल्यूज बच्चों बहुत क्लोज होती है, जिसकी वजह से हम उन एनर्जीज का मतलब कुछ भी नहीं होता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में एनर्जीज होती है, जिसलिए हम क्या सीधा बोल सकते हैं कि जब भी बच्चों आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, तो उस केस में ऑब्वियसली बच्चों जो पहले से स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लेना चाहेंगे, एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे ना, जब एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि बच्चों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू जीरो हो जाएगी, जिसमें मैंने आपको डिस्कशन किया था पीरियड टू को लेके, पीरियड टू को लेके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, कल मैंने लेक्चर बच्चों अपलोड किया था, आप लोगों ने देखा भी है कुछ बच्चों ने, यस, जिसमें बच्चों एलिमेंट आपके पीरियड टू में कौन कौन से आते हैं, लिथियम आता है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियॉन, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन के बच्चों बात करोगे तो इसका कितना होगा 2s1 लास्ट वाला, इसका 2s2 होगा, यहाँ बच्चों आपका 2p1 होगा, यहाँ पे होगा 2p2, ठीक है, इसका 2p3, इसका बच्चों 2p4, 2p5 एंड 2p6, सभी को बात क्लियर हो गई, यस। अब देखो बेटा इसका कैसा है, ये आपका देखो कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड, मोर स्टेबल होगा, ठीक है। और जो बेटा नाइट्रोजन पे आ जाओ,
इसका कैसा है, हाफ फिल्ड है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लेना चाहेंगे, इन सब की वैल्यू जो है लगभग आपकी जीरो होगी बाद में, मतलब जीरो मतलब बहुत कम होगी, लेस होगी, तो आपका सिक्वेंस क्या आएगा बताओ बच्चों। और ये तो ऑलरेडी आपको दिख ही रहा है, ये तो फुली फिल्ड है, नियॉन फुली फिल्ड है, तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहेगा, तो बताओ बच्चों सिक्वेंस क्या होना चाहिए, व्हाट इज करेक्ट सिक्वेंस, जिसको अपन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। सबसे कम किसका होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, नियॉन कभी लेना चाहेगा, बिकॉज ऑलरेडी स्टेबल है, फुली फिल्ड है, ठीक है, नियॉन सबसे कम हो जाएगी एफिनिटी वैल्यू, एक्सेप्टेंस इलेक्ट्रॉन को लेना, फिर कौन आएगा आपका नाइट्रोजन, बिकॉज लेफ्ट राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो बच्चों वैल्यू होती है ये क्या करती है, इंक्रीज करती है ना, ठीक है, आप देखो ना यहाँ तक हैलोजन तक, तो हैलोजन की एफिनिटी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है बच्चों, ठीक है, तो जनरली इंक्रीज करती है जेड इफेक्टिव बढ़ने के साथ, जेड इफेक्टिव बढ़ता था ना तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंट टेंडेंसी आपकी बढ़ती है, ठीक है, तो नियॉन तो एक आप एक्सेप्शनल केस क्यों बनता है, बिकॉज वो स्टेबल है, नियॉन सबसे कम हो जाएगा, फिर कौन आएगा बच्चों, नाइट्रोजन आ जाएगा उसके जस्ट बाद वाला, फिर कौन आ जाएगा आपका बेरिलियम आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं लगभग, फिर कौन आएगा बेटा बोरॉन, फिर कौन सा आएगा बताइए आप मुझे, ये भी देखो ये आपका हाफ फील्ड है, ठीक है, तो ये आपका बोरॉन के बाद बच्चों आता है आपका लिथियम, सही लिखा है मैंने, चेक करो, बोरॉन एंड लिथियम, फिर कौन सा कार्बन, फिर कौन सा ऑक्सीजन, सबसे लास्ट में फ्लोरीन, फ्लोरीन की एफिनिटी वैल्यू आपकी सबसे ज्यादा होती है, सभी क्लियर हो गया, बताओ बच्चों मैं आपसे पूछूं, जरा आप मुझे बताना, मैंने दो आयंस दिए हैं, जैसे बच्चों लिथियम माइनस दिया है और दिया मैंने बोरॉन माइनस, दोनों में से मोर स्टेबल कौन सा है, मोर स्टेबल आयंस कौन सा है दोनों में से, मोर स्टेबल, तो लिथियम माइनस का कन्फ्यूजन क्या होगा, माइनस टू, टू एस टू, लिथियम माइनस मैंने बोला है ना, इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना, एक एक्सेप्ट कर लेगा, B- के बच्चों क्या होगा, 2p1 होता है, 2p2 हो जाएगा, सिंपल सा, 1s2, 2s2, 2p2, ये कंफ्यूजन होगा बच्चों, ठीक है, इन दोनों में से बेटा देखो लास्ट, ये तो कोई ना तो अनफिल्ड है ना फुली फिल्ड है, ऑब्वियसली अनफिल्ड ही होगा ये, ठीक है, 2p2 है, p ना तो 3 है ना p आपका 6 है, ये आपका हो गया है फुली फिल्ड लास्ट में देखो, अगर ये फुली फिल्ड हो गया है तो स्टेबल हो गया, देख समझ में आया, यस, तो मोर स्टेबल कौन सा बच्चों, ये होगा जो मोर स्टेबल होगा, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लेना चाहेगा, अब ये भी बात समझ में आनी चाहिए बेटा, बात क्लियर हो रही है, जो स्टेबल है इलेक्ट्रॉन्स को क्यों लेना चाहेगा, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू होगी Li- की लगभग आपकी जीरो होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेगा क्यों, 2p2 जो देख रहे हैं ना, वो 2p2 2p3 में जाके ना स्टेबल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को ये नेचुरली एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा तो इसकी एफिनिटी वैल्यू बच्चों क्या होगी, b- की, वो अधिक होगी आपकी किससे, लिथियम माइनस, अब बात समझ में आई, बताओ सभी लोग क्लियर हुआ बच्चों, कोई डाउट नहीं, नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करते हैं, यस यस, नेक्स्ट बच्चों हम लोग एक साथ बात करते हैं ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, इधर बच्चों बात करते हैं, पहला एलिमेंट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, सिक्सटीन बेटा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेरोलियम, पोलोनियम, 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड बच्चों एसिटाइन, ठीक है, ओके, तो अब आप यहाँ पे बेटा हम देखना चाहते हैं कि आपका जो एफिनिटी का सीक्वेंस है ना वो क्या होता है, तो देखो बेटा आपके जो पीरियड, ध्यान दो, पीरियड टू और पीरियड थ्री, पीरियड थ्री के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू बच्चों हमेशा अधिक होती है पीरियड टू के एलिमेंट से, ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों पीरियड थ्री जो आपको दिख रहा है, इस पीरियड थ्री के पास बच्चों प्रेजेंट होता है 3d0 डी ऑर्बिटल्स होता है, बट बच्चों जीरो होता है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें नहीं होते हैं, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कहां जाएंगे, डी में,
लेकिन मुझे बताओ क्या सेकेंड पीरियड के पास कभी 2D0 होता है? कभी नहीं भाई, सेकेंड पीरियड से डी आता ही नहीं है ना, उनका साइज बहुत छोटा है, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का साइज इतना छोटा है कि आपने इलेक्ट्रॉन्स को डाल भी दिया इफ एनी केस, तो बच्चों रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू बच्चों थर्ड पीरियड की हमेशा सेकेंड पीरियड से अधिक होती है, आप प्लीज इसको अच्छे से ध्यान रखना। तो आपको ये देखो ऑर्डर ध्यान रखना पड़ेगा, और इसके पीछे रीजन बच्चों क्या है कि थर्ड पीरियड में बेटा 3D आपका ऑर्बिटल्स होता है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन जाते नहीं है। भाई 3P तो आएगा ना, 3S आता है, 3P आता है, 3D0 होता है हमेशा, लेकिन फोर्थ पीरियड में जंप करते ही बच्चों 3D में इलेक्ट्रॉन जाने लगते हैं, D1 D2 D3 D4 D5, समझ में आया, स्टेनो टाइटेनियम वैनेडियम सारे के सारे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल ये सीक्वेंस। अब आते हैं, और जनरली आपको पता है कि टॉप टू बॉटम आने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बच्चों क्या करेगी, इंक्रीज और डिक्रीज, बताओ जल्दी से। यस बच्चों जल्दी से बताओ क्या आंसर होना चाहिए, सबसे अधिक किसकी एफिनिटी होना चाहिए? बेटा लेड पे अगर आओगे आप तो लेड वाले केस में क्या होगा, यहाँ साइज बहुत बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे, एफिनिटी वैल्यू बेटा सबसे कम होगी लेड की, सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा, वो सिलिकॉन की होगी। तो अगर मैं ग्रुप 14 को लेके बात करूं तो सबसे अधिक बच्चों होती है सिलिकॉन की, उसके बाद होता है कार्बन, फिर होता है आपका जर्मेनियम, और फिर होता है आपका टिन, और सबसे लास्ट में आता है लेड। वैसे भी पता है कि लेफ्ट राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू बढ़ती है, इधर से जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अप टू 17th ग्रुप तक बढ़ती है, ठीक है, लेकिन टॉप टू बॉटम आने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू बेटा क्या डिक्रीज करती है ना। तो यहां से लेके यहां तक का ट्रेंड बच्चों वही फॉलो होगा जो नॉर्मल ट्रेंड होता है। तो लेड की सबसे कम, उससे अधिक टिन की, उससे अधिक जर्मेनियम की, उससे अधिक बच्चों कार्बन की, फिर उससे अधिक आपकी सिलिकॉन की। तो सिलिकॉन की अधिक क्यों कार्बन से हुई, रीजन आपको पता है, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ 3D0 ऑर्बिटल्स। क्लियर, ये ऑर्डर समझ में आ गया। इसी तरीके से बच्चों 15 के साथ बात करूं, बताओ इसका आंसर क्या होगा, ग्रुप 15 का सबसे अधिक किसकी होगी बेटा, आपकी फास्फोरस की। यस, सबसे अधिक किसकी होगी, फास्फोरस की हो जाएगी, बिल्कुल सही है। फिर कौन आएगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट बताओ, फिर कौन आना चाहिए बेटा, आर्सेनिक बन सकते, फिर कौन सा आएगा, आर्सेनिक, फिर कौन आएगा, एंटीमनी, और सबसे लास्ट में आपका बिस्मथ। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, सभी क्लियर हुआ, पता, नाइट्रोजन फैमिली की एफिनिटी अगर आती है। ग्रुप 16 को लेके बात करते हैं, तो इसका आंसर आप लोग निकाल पाओगे बिल्कुल, सल्फर की सबसे अधिक हो जाएगी, है ना, फिर बेटा ऑक्सीजन की आएगी, उसके बाद सेलेनियम ट्रेलियम पोलोनियम की सबसे कम हो जाएगी, और लास्ट वाले सीक्वेंस में चलोगे तो उसके भी आपको पता है कि उसमें बच्चा क्या करना है, सबसे अधिक किसकी, क्लोरीन की हो जाएगी, क्लोरीन की सबसे अधिक हो जाएगी, ठीक है। और एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, वन सेकेंड, ऑक्सीजन फैमिली के अंदर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ऑक्सीजन फैमिली के अंदर ट्रेंड क्या आना चाहिए था, ये आना चाहिए था ना कि सल्फर की सबसे अधिक हो जाए, फिर ऑक्सीजन की आ जाए, फिर सेलेनियम की, फिर टेलेरियम की, फिर पोलोनियम की, ये ऑर्डर होना चाहिए था। बट यार ना मैथमेटिकली ऑर्डर गलत होता है, मैथमेटिकली ये ऑर्डर गलत होता है, क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसकी सबसे लोएस्ट होती है, ग्रुप 16 के अंदर ऑक्सीजन की सबसे लोएस्ट होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू। एक रू ऐसा क्यों है, वो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन उसके ऊपर आता है कि भाई ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा है, जिसकी वजह से वहां पे रिपल्शन की वैल्यू सबसे मैक्सिमम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल विक्षेप नहीं करना चाहेगा। तो इसका जो ये ऑर्डर गलत हो जाएगा, जो भी ट्रेंड हम फॉलो करें, इसका बड़ा सही आंसर होगा सल्फर, फिर आएगा सेलेनियम, फिर आएगा आपका टेरेलियम, सल्फर सेलेनियम टेरेलियम, फिर आएगा आपका यहाँ से पोलोनियम। पोलोनियम बच्चों रेडियोएक्टिव है, बहुत जगह एनसीएलटी में रेडियोएक्टिविटी के बारे में नहीं बताया गया पोलोनियम के बारे में, फिर यहाँ पे बोला गया ऑक्सीजन, ये इसके ऑर्डर के बारे में बताया गया। तो प्लीज बच्चों ग्रुप 16 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ रिपल्शन वैल्यू, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं ग्रुप 17, ग्रुप 17 का तो आसान है, उसमें तो कुछ चेंज होने वाला ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्लोरीन की सबसे अधिक हो जाएगी, क्लोरीन से कम किसकी होगी, फ्लोरीन की, क्लोरीन से कम किसकी, ब्रोमीन की, और उससे कम बच्चों किसकी, आयोडीन की, और हमारे NCERT के अंदर एस्टेन के बारे में नहीं दिया गया है, तो इसको हम लेने वाले भी नहीं है, जो नहीं दिया उसको लेने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों में क्वेश्चन पूछू, अभी ग्रुप 17 और ग्रुप 16 दोनों में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू किसकी अधिक होगी, बताओ, ग्रुप 17 और ग्रुप 16 दोनों में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बच्चों किसकी अधिक होगी, ग्रुप 17 की, ऑलवेज लिख लो यहाँ पे, ऑलवेज मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू 17 की, ठीक है, और
इसकी जो बेटा होगी कैसी होगी, क्रॉस 17 से हमेशा आपकी लेस होगी। इस बात का ध्यान रखना है। कोई डाउट किसी बच्चे को? क्लियर हुआ यार, बताइए सभी लोग। यस, एक बार बेटर रिस्पॉन्स करिए सभी लोग। यहां तक क्लियर हुआ, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। चलो गुड, नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा। नेक्स्ट बच्चों हम ये कुछ इंपॉर्टेंट बात कर देंगे। अभी हम एक्चुअली बात करना है, बिल्कुल हम लोग बात करना चाहिए। थैंक यू। मैं बच्चों बात करना चाह रहा हूँ साइन साइन के ऊपर ना, साइन कन्वेक्शन जो होता है उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे अभी, ठीक है? ओके, तो एक देखो मैं आपको यहाँ पे बेटा बता दूँ सिक्वेंस। एक तो ग्रुप टू को ध्यान रखो, एक आपका आता है ग्रुप 15, एक आता है आपका ग्रुप 18। ये तीन ग्रुप इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों ग्रुप के साथ अगर आप देखोगे तो मैं कुछ वैल्यूज आपको बताता हूँ, ठीक है? ध्यान रखना, ग्रुप टू की अगर बच्चों बात करते हैं कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, एक बार लिख लेते हैं। ग्रुप टू में कौन कौन से एलिमेंट हैं? बीटा, मांगे, कार, सेंट्रो, बाप, राजी, ठीक है? इसी तरीके से बच्चों ग्रुप 15 को लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए हम लोग। मैं थोड़ा कंपेयरिंग करना चाह रहा हूँ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बन सकते हैं यार। एंटीमनी की स्पेलिंग लिखने बैठ रहा मैं, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नेक्स्ट बेटा ग्रुप 15 हो गया, ग्रुप 18 पे तो ये तो बेटा पता ही आपको, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड बच्चों रिडॉन। क्लियर? अच्छा, अब इसमें समझना मैं क्या बताना चाहूँ, भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ बच्चों बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों को सर्कल कर लो, यहाँ कर लो बच्चों नाइट्रोजन को एक साथ क्लोज कर दो, ठीक है? तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, इधर नाइट्रोजन, जो मैंने ब्रैकेट किए हैं, इन सब की बच्चों डेल्टा जो EGH होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये वैल्यू कैसी होगी? है पॉजिटिव। अरे कैसी होगी बेटा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, उनकी ही पॉजिटिव होती है। तो ये बच्चों डेल्टा इज ईजी कैसा होगा इन तीनों का, इधर बेरिलियम मैग्नीशियम का, इधर नाइट्रोजन का, ऑलवेज बच्चों पॉजिटिव। तो दैट्स व्हाई वी विल कॉल कि बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसा होगा इन सबका, नेगेटिव होगा। ये बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? जो आराम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उनका डेल्टा एच ईजी बच्चों नेगेटिव ही होता है। उस बस मैंने बोला था ना कि आप एक वैल्यूज को ध्यान रखो डेल्टा एच ईजी को, एफिनिटी ऑटोमेटिक आपको समझ में आती जाती है क्या टिक करना है क्या टिक नहीं करना है, ठीक है? दूसरे बच्चों कैल्शियम से लेके आपके रेडियम तक यहाँ फोकस करो, इन सब के लिए आपकी जो डेल्टा एच ईजी की वैल्यू आती है ये बच्चों होती है नेगेटिव। कैसी होती है? नेगेटिव। नेगेटिव होती है बट बेटा वेरी लो वैल्यू, ठीक है? वेरी लो वैल्यू, बहुत वैल्यू कम होती है। आपको पता है कि टॉप टू बॉटम आने पे ना साइज बढ़ता है, जिसकी वजह से बच्चों इलेक्ट्रॉन्स आपके मैजिक नंबर के थ्रू 8, 8, 18, 32 रिपल्शन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन नहीं लेने चाहेंगे, लेकिन फिर भी बच्चों वैल्यू आपकी नेगेटिव में आती है ऊपर वालों कंपेरिजन में। बेरिलियम मैग्नीशियम कंपेरिजन इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं ना, थोड़े बहुत तो ले सकते हैं, तो इसलिए ये बात तो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, इसको पकड़ के रखो। क्वेश्चंस इसी पतले से डिफरेंस से आते हैं, जहां देखो बड़े बड़े डिफरेंस सभी को आते हैं। आपको बोल दूं मैं कि बच्चों सपोज 8 लाख स्टूडेंट्स बैठने वाले हैं इस बार, सपोज मान लो 8 लाख में से ना कम से कम बच्चों 6 लाख को पता होता है कि जनरल ट्रेंड क्या होता है, तो हमें तो रैंक चाहिए ना, हमें परसेंटेज अच्छा चाहिए। तो फिर आपको ये जो छोटे छोटे डिफरेंस हैं, बिल्कुल पतले डिफरेंस हैं जो हर किसी को नहीं पता है, वो हमें पता है, तो हम डिजर्व करेंगे अच्छे परसेंटाइल के लिए। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? बिल्कुल। नेक्स्ट बच्चों ध्यान रखना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना तो सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। इधर तो बड़ा नाइट्रोजन का आपका हो जाएगा, डेल्टा जीजी आपका पॉजिटिव, बाकी जो बचे हुए हैं इन सब के लिए बच्चों कहानी वही है कि डेल्टा एच ईजी इन सब के लिए नेगेटिव होता है, बट बच्चों बहुत ही लेस वैल्यू होती है, लो वैल्यू होती है। लास्ट में आपके इन सब की बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन्स कभी लेते ही नहीं है, ये ऑलरेडी स्टेबल है, तो इन सब के लिए बेटा डेल्टा एच ईजी की वैल्यू हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, कभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेंगे। समझ में आ गया सभी को? लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू बच्चों कैसी होगी इनकी? नेगेटिव होगी। क्लियर? पूरी पीरियड टेबल को समझ में आ गया अच्छे से हम लोगों ने? क्लियर कर लिया बेटा? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? यस, कोई डाउट? अब मैं लास्ट आपको कंक्लूजन पूछता हूं,
बेटा आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम किसकी होती है? आयनाइजेशन इंथैल्पी वैल्यू मिनिमम किस एलिमेंट की होती है पूरी पीरियड टेबल के अंदर, बताओ ध्यान से। मैं आपको बता चुका हूँ बेटा कौन सा एलिमेंट होता है, सीजियम। सीजियम की सबसे मिनिमम, और यही बच्चों सीजियम क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट नहीं होगा, मेटल होगा। एलिमेंट में सब आते हैं, मेटल नॉन मेटल, मोस्ट रिएक्टिव मेटल आपका यही होगा। अगर बच्चों मैं पूछूं आपसे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू मैक्सिमम किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू मैक्सिमम किसकी होती है, बताओ बच्चों आंसर। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी, मतलब एक्सेप्टेंस, सबसे अच्छा एक्सेप्टेंस कौन करता है, फ्लोरीन नहीं करेगा, क्लोरीन करता है। क्लोरीन क्यों करता है, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ 3D0। तो बेटा सबसे अच्छा मैं बोलूं तो क्लोरीन की एफिनिटी वैल्यू सबसे अधिक होती है, ठीक है, मैक्सिमम होती है। और ये बच्चों क्लोरीन है कैसा, ये भी आपका मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल आपका क्लोरीन है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल बच्चों आपका सीजियम है, ठीक है, दोनों बातों को ध्यान रखना। ये बेटा किसकी हेल्प से डिफाइन किया है, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू की हेल्प से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू की हेल्प से। अगर बच्चों मैं पूछूं आपसे कि आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम किसकी है, प्रीवियसर क्वेश्चन है ये, एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिनिमम किसकी होती है, बताओ मुझे, ये कोई ऐसा एलिमेंट बताओ दिमाग लगा के कि बेटा आयनाइजेशन एनर्जी जिसकी आपकी मैक्सिमम हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू आपकी मिनिमम हो, तो कौन सा आपका एलिमेंट होगा, बताइए बेटा जल्दी से। राइट मोस्ट टॉप मोस्ट कौन सा एलिमेंट होगा, हीलियम, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस की बेटा एफिनिटी वैल्यू सबसे कम होती है, आपको बताया मैंने अभी आपको, और आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू बेटा सबसे मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, यस। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है जो मोस्ट अनरिएक्टिव है, क्या बोल सकते हैं, नॉन रिएक्टिव है। इसकी रिएक्टिविटी बच्चों बिल्कुल भी डिफाइन नहीं होती है, सभी क्लियर हो गया, कोई डाउट यहाँ तक, चलो। अब बच्चों हम बात करते हैं प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है, प्रिडिक्शन ऑफ साइन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के जो साइन का जो प्रिडिक्शन है उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फटाफट से देखते हैं बच्चों, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट फॉर कैटायन, इसको फिनिश करते हैं जल्दी से, लास्ट पॉइंट है फॉर कैटायंस। कैटायंस के लिए बच्चा जो आपकी डेल्टा एच इजी होती है, इसकी वैल्यू बेटा कैसी होती है, नेगेटिव ऑलवेज। कैटायंस के लिए डेल्टा एच इजी की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव, हमेशा आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने बच्चों बोला सोडियम प्लस कैटायन है गैस की फेज में, इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा तो सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा इजिली, तो बेटा ये तो कैटायन है ना, सोडियम प्लस, पॉजिटिव चार्ज वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है ना, नेचुरली अट्रैक्ट करता है, तो ये सोडियम प्लस इसको अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा तो बेटा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसलिए डेल्टा एच इजी वैल्यू बच्चों इसकी कैसी होगी, नेगेटिव ही होगी, समझ में आया सभी को, कोई कंफ्यूजन, डेल्टा एच इजी वैल्यू कैसी हो जाएगी इसकी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, यस। नेक्स्ट बच्चों अगर मैं बात करूं कि सोडियम गैस की फेज में ये मोनोटोमिक है, अगर ये बच्चों कन्वर्ट होता है सोडियम प्लस के अंदर, रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन, तो मुझे बताओ यहाँ पे वैल्यूज बच्चों कैसे डिफाइन की जाएगी, बताइए मुझे, डेल्टा एच इजी वैल्यू वो बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू डिफाइन होगी इसके लिए, और वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, आपको एनर्जी यहाँ पे ना सप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसलिए हम लोग इसका रिजल्ट लिख सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी फॉर एलिमेंट एक्स, ठीक है, मेटल एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू फॉर दिस एक्स कैटायन, ठीक है, ये ध्यान रखो। अभी जो लिखा है मैंने सोडियम प्लस से सोडियम में गया, फिर सोडियम से सोडियम प्लस में गया, तो ये रिजल्ट ना आपको जेई एडवांस जो आपको लगता है ना कि मुझे IIT बॉम्बे में जाना है, ठीक है, सिर्फ सपने सजाने से नहीं कुछ होता, मेहनत करने से सब कुछ होता है, दुनिया तभी पलटती है, ठीक है, गोल्ड मेडल भारत को तभी मिलता है जब बहुत मेहनत करते हैं लोग, बिल्कुल। सेकंड बच्चों बात करते हैं फॉर एनायन, सिर्फ सोच लेना कि मुझे मिल जाएगा, इम्पॉसिबल, ठीक है, उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क है। फॉर एनायन बच्चों बात करते हैं, एन वाले केस में डेल्टा एच इजी की बात करते हैं, तो ये बच्चों होती है आपकी पॉजिटिव बेटा, ये ऑलवेज लिख लो, फिट कर लो दिमाग में, कोई सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले, एनायंस के लिए डेल्टा एच इजी की वैल्यू हमेशा आपकी पॉजिटिव हो, कैसी होगी, हमेशा पॉजिटिव। जैसे ओ माइनस वन गैस की फेज में है, इलेक्ट्रॉन बच्चों मैंने ऐड किया, ओ माइनस टू में कन्वर्ट हुआ गैस की फेज में, तो बताओ बच्चों यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा,
इसको एक्सेप्ट करना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं, उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे डेल्टा एच ईजी की वैल्यू कैसी होगी बच्चों? नेगेटिव होगी। क्या सभी को मेरी बात समझ में? सॉरी, पॉजिटिव होगी। इलेक्ट्रॉन लेना थोड़ी नहीं चाहेगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन नहीं हो जाएगा। ये वैल्यू कैसी होगी बच्चों? पॉजिटिव। क्लियर? कोई डाउट? जैसे मैं लिखूं बच्चों सोडियम पे माइनस टू है, इसको इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कराना है, या नाइट्रोजन माइनस थ्री है, सोडियम तो नहीं मैं ले सकता हूँ, फिर कंफ्यूजन दिक्कत कर जाएगा। एन माइनस टू है तो एन माइनस थ्री आपका बनेगा। आप बिल्कुल टेक कर देना कि ये वैल्यू बच्चों डेल्टा इजी कैसी होगी आपकी? पॉजिटिव होगी। समझ में आ गया? कैटायन एनायन क्लियर। लास्ट पॉइंट बच्चों आता है न्यूट्रल। न्यूट्रल, अगर बच्चों एटम हमारे न्यूट्रल्स होते हैं तो उन केस में क्या होता है? न्यूट्रल वाले केस के अंदर बच्चा जो डेल्टा एस इजी की वैल्यू होती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और बच्चों जीरो भी हो सकती है। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। और जीरो का मतलब है ना बेटा बैरीलेस। बैरीलेस को ना अपन जीरो ही लिखते हैं, ठीक है? आपको न्यूमेरिकल वगैरह में अगर बैरीलेस लिखा मिले तो उसका मतलब आपका जीरो ही है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे बच्चों सीएल, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो क्या बनेगा बताइए मुझे? सीएल माइनस गैस की फेज में आएगा, बिल्कुल। और इसके लिए जो डेल्टा एच इजी होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव है पॉजिटिव? जल्दी से बताओ बच्चों, नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव। भाई क्लोरीन तो एक्सेप्ट ही करता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर वर्क करती है। नेक्स्ट बच्चों अगर हीलियम के साथ बात करूं तो फ्री क्या एक्सेप्ट करेगा हीलियम बच्चा? तो हीलियम माइनस आप लिख तो सकते हो, रिएक्शन फीजिबल हो सकती है, लेकिन डेल्टा एस इजी की वैल्यू बच्चों कैसी होगी? पॉजिटिव, बिकॉज वो लेना ही नहीं चाहेगा। इसलिए आपको पता है कि देखो बेटा क्लोरीन भी न्यूट्रल है, हीलियम भी न्यूट्रल है, इसलिए पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, मैंने आपको बता दिया। और बेटा जीरो का मतलब आपको समझ में आ गया कि लगभग आपकी जो पॉजिटिव नेगेटिव जो वैल्यूज आ रही है ना, जो पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है, इसमें जीरो का मतलब बैरीलेस नेगेटिव, ठीक है? बैरीलेस नेगेटिव है, बैरीलेस पॉजिटिव जो वैल्यू बहुत लो वैल्यू ना उसको अपन जीरो बोलते हैं, इसका मतलब ये है। समझ में आ गया सभी को? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चों को? यस, किसी बच्चों को कोई डाउट? एक बच्चों क्वेश्चन और बनता है कि अगर मान के चलो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालनी है और क्वेश्चन के अंदर आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दे रखते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्वेश्चंस में दे रखे हैं और उनके ऑर्डर को अरेंज करना है, तो अगर आपको आयन तो कैसे निकालना होगा बताओ बेटा? जैसे दे रखा है एफ माइनस वन, ऑक्सीजन पे माइनस टू दे रखा है, एन माइनस थ्री दे रखा है, सोडियम प्लस दे रखा है, मैग्नीशियम प्लस टू दे रखा है, ए एल प्लस थ्री दे रखा है, कुछ इस तरीके स्पीसीज दे रखे हैं, तो कैसे निकालना होगा? तो आपको फॉलो बच्चों वही करना है जेड इफेक्टिव, ठीक है? यस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हायर इज द वैल्यू ऑफ जेड, हायर इज द वैल्यू ऑफ जेड, मोर विल बी द जेड इफेक्टिव, ठीक है? उसको आपको यहाँ पे फॉलो करना है और आंसर आपका बन जाएगा। क्लियर? इसको लगाना और यहाँ से आपको आयनेशन थेरेपी वाले अगर क्वेश्चंस आते हैं या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले, तो आपको इसके ऑर्डर पे सॉल्व करना है, तो आप इसका ऑर्डर बना पाओगे। सबसे कम बच्चों किसकी होगी? एन माइनस थ्री की सबसे कम हो जाएगी, ठीक है? सबसे अधिक किसकी होगी? ए एल प्लस थ्री की, कैटाइन है ना, सबसे अधिक उसी की हो जाएगी। क्लियर है सभी को? चलो, तो यहाँ पे बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट फिनिश होता है और नेक्स्ट बच्चों हम लोग कल डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खत्म होगा, थोड़ा सा लंबा होता है जिसमें आपका बन भी जाएगा पूरा, ये आपका पीरियड टेबल इस वीक में खत्म होगा। और ऑफलाइन बेटा हम लोग जल्दी से मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीक में, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों एस ब्लॉक, ठीक है, एस ब्लॉक। और एक बात मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ यहाँ पे,